कलर्स टीवी का पॉपुलर सीरियल उडारिया दर्शकों का पसंदीदा सीरियल बन गया है, जहां दर्शक इस सीरियल में आने वाले हर एक कलाकार को बेहद पसंद करते हैं। तो वहीं अब सीरियल में एकम की बेटी आलिया के रोल के लिए अनन्या गंभीर को अप्रोच किया गया है, जो कि सीरियल में एकम की बेटी आलिया का किरदार अदा करने वाली है और इन्हें दर्शक सीरियल में देख कर बेहद खुश है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उडारिया सीरियल में एकम की बेटी आलिया के किरदार के लिए अभिनेत्री अनन्या गंभीर मेकर्स की पहली पसंद थी ही नहीं, बल्कि इनसे पहले इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों को आलिया के किरदार के लिए अप्रोच किया गया, पर वो किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो गई। पर आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो आलिया के किरदार के लिए रिजेक्ट हुई हैं? चलिए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, बार्बी शर्मा। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और क्यूट एक्ट्रेस बार्बी शर्मा को उडारिया सीरियल में एकम की बेटी आलिया के किरदार के लिए अनन्या गंभीर से पहले कास्ट किया गया था, पर जब इन्होंने आलिया के किरदार के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया तो ये अपने किरदार को पर्दे पर परफेक्ट तरीके से नहीं उतार पाई। इसी वजह से मेकर्स ने इन्हें आलिया के किरदार से रिजेक्ट कर दिया। नंबर 2, आरोही कुमावत। नागिन सीरियल में नजर आई अभिनेत्री आरोही कुमावत को भी आलिया के किरदार के लिए अनन्या गंभीर से पहले कास्ट किया गया था, पर मेकर्स ने इन्हें इस किरदार के लिए जो फीस बताई वो इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसी वजह से मेकर्स ने इन्हें सीरियल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 3, श्रेया पटेल। इंडस्ट्री की खूबसूरत और क्यूट एक्ट्रेस श्रेया पटेल को भी उडारिया सीरियल में आलिया के किरदार के लिए अनन्या गंभीर से पहले मेकर्स ने कास्ट किया, पर इन्होंने आलिया के किरदार में कुछ चेंजेस करने के लिए मेकर्स से कहा, पर मेकर्स ने इनके किरदार में चेंजेस करने से मना कर दिया और इन्हें डायरेक्ट सीरियल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 4, केविना टक। टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस केविना टक को भी आलिया के किरदार के लिए मेकर्स ने कास्ट किया था, पर इन्होंने सीरियल में आलिया के किरदार के लिए कम टाइम देना चाहती थी क्योंकि इन्हें अपनी स्टडी पर भी फोकस करना था, पर मेकर्स को इनके नखरे से पता चल गया, जिसके चलते मेकर्स ने इन्हें डायरेक्ट आलिया के किरदार से रिजेक्ट कर दिया। वेल दोस्तों, अभिनेत्रियों में से आपके हिसाब से आलिया के किरदार के लिए कौन सी अभिनेत्री बेस्ट होती, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।